Islamic students, uh, let's start question number five and six of nine point three. Remember for question number nine and uh, for question number five and six, formula is two dot k dot one eighty plus theta. Two dot k dot one eighty plus theta, where. K is constant and theta is required angle. Remember for question number 5 and 6. Okay, let's start question number 5. Find the values of trigonometric functions of, of the following quadrantal angles. First of all, what are quadrantal angles? angles which are multiple of right angle angles which are multiple of 90 degree angles are known as quadrantal angles saba beta thamam angles so 90 ke multiple angles 90, 182, 73 64 50 and so on is sari keval quadrantal angles to angles which are multiple of right angle are known as quadrantal angles कहता बेटा इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें आप तो इसमें फिफ्थ पार्ट जो 9.3 पॉइंट थ्री का हमारे पास इसमें मैं सबसे पहले डिग्री वाले क्वेश्चन आपको कराता हूँ फिफ्थ का सिक्स पार्ट बेटा हमारे पास है फिफ्टीन थर्टी क्वेश्चन नंबर फाइव और पार्ट नंबर फोर और सॉरी सिक्स That इज फिफ्टीन थर्टी ओके okay, बेटा सबसे पहले आपने इस एंगल को ब्रेक करना है और ब्रेक करने का यह फार्मूला लिखा है टू डॉट के डॉट वन एटी डिग्री प्लस थीटा अब बेटा के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने याद रखना है हमेशा इन तमाम पार्ट्स के अंदर वर्किंग पोर्शन में आपने आना है इन वर्किंग पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे के की वैल्यू जो भी आपके पास एंगल है उसे आपने डिवाइड करना है 360 एंगल पर 15 30 डिवाइडेड बाय 360 दैट इज 4.25 जो बेटा पॉइंट से पहले होगा इस टाइम क्या है दैट इज 4 तो के की वैल्यू क्या है बेटा 4 आपने के की जगह 4 को लिख देना 2.4.180 प्लस थीटा आपका रिक्वायर्ड एंगल है थीटा की जगह ब्लैंक छोड़ें बेटा आप देखिएगा टू डॉट का मीनिंग यहां पे मल्टीप्लाई टू डॉट फोर डॉट वन एटी मल्टीप्लाई करें टू डॉट फोर डॉट वन एटी ये आ रहा है बेटा हम आपके पास फोर्टीन फोर्टी आपने अपना एंगल ये वाला कंप्लीट करना है अब फोर्टीन फोर्टी में हम कितना एंगल एड करें कि हमारे पास आ जाए फिफ्टीन थर्टी तो बेटा इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लें फिफ्टीन थर्टी माइनस फोर्टीन फोर्टी ये बेटा आ जाएगा नाइन्टी डिग्री यानी यहां पे आपको थीटा की जगह नाइन्टी डिग्री लिखना है अब इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये ये एंगल बनना चाहिए ये देखें फोर्टीन फोर्टी प्लस नाइन्टी इक्वल्स टू फिफ्टीन थर्टी अब बेटा ये हमारे पास थीटा रिक्वायर्ड एंगल था 90 डिग्री अब यहां पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें टेबल की वैल्यूज साइन 90 क्योंकि उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉज 90 और बेटा टैन 90 डिग्री साइन नाइन्टी वन कॉज नाइन्टी ज़ीरो टेन इन दोनों को डिवाइड करें तो मैथर इन्फिनिटी तीन इसके रेसीप्रोकल ले, ले लें बेटा साइन का रेसीप्रोकल है कॉसिकेंट सी कंट वन बाय वन दैट इज वन सीकेंड कंट वन बाय जीरो दैट इज इन्फिनिटी मीन अनडिफाइंड अनडिफाइंड और टेन का रेसिप्रोकल बेटा कॉट कॉट नाइंटी वन बाय इंफिनिट दैट इज जीरो बेटा फाइनल हमारा उसने आंसर में पीछे 90 डिग्री लिखा हुआ है क्योंकि उसने कहा हुआ है आपने वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसलिए आपने वैल्यूज को भी फाइंड करके उसको शो करना है नेक्स्ट बेटा इसमें देखें एक और पार्ट से टू फोर थ्री जीरो सेवेंथ पार्ट बेटा माइनस टू फोर थ्री जीरो ठीक बेटा अब माइनस आ गया इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास माइनस नहीं था इसमें सात माइनस भी है नो no प्रॉब्लम माइनस एज इट इज छोड़ दें और एंगल की जगह बेटा यही फार्मूला अप्लाई करना है आपने टू डॉट के डॉट वन एटी प्लस थीटा टू के पाई या वन एटी प्लस थीटा बेटा के की वैल्यू सेम उसी तरह मैंने बताया जो भी एंगल होगा उसको आपने थ्री सिक्सटी पर डिवाइड करना है तो करते हैं बेटा देखते हैं टू फोर थ्री जीरो डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी ये आ रहा है बेटा सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव इसका मतलब पॉइंट से पहले जो होगा वो आपने के की जगह अप्लाई कर देना सिक्स वन एटी अब बाहर माइनस है जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन बेटा चेंज हो जाएगा माइनस अब थीटा की जगह ब्लैंक छोड़ दें अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या होता है टू मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन एटी इक्वल्स टू टू वन सिक्स जीरो टू वन सिक्स जीरो लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा टू फोर थ्री जीरो टू वन सिक्स ज़ीरो में से कितना इसमें कितना ऐड करें कि हमारे पास आंसर आ जाए टू फोर थ्री जीरो टू सेवेंटी और ऐड करना पड़ेगा इसमें बेटा टू सेवेंटी करें तो हमारे पास आ रहा है टू फोर थ्री ज़ीरो यानी यहाँ पे आपने लिखना है टू सेवेंटी इसका मतलब एंगल आपके पास आ गया माइनस टू सेवेंटी डिग्री अच्छा इसमें बेटा कुछ चीज़ें लिख लें कुछ एंगल नेगेटिव आएंगे तो उसकी जगह आपने ये लिखना है आल्सो रिमेंबर Also remember, अगर आपके पास आएगा माइनस वन एटी डिग्री तो आपने इसकी जगह लिख देना प्लस वन एटी अगर आपके पास आता है माइनस नाइन्टी डिग्री तो आपने बेटा इसकी जगह लिख देना टू सेवेंटी डिग्री और अगर आपके पास आता है माइनस टू सेवेंटी डिग्री तो आपने इसकी जगह लिख देना नाइन्टी डिग्री ये बेटा तीन वैल्यूज इसमें आएंगी नेगेटिव में क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम होती है जो माइनस 90 की वैल्यू वही 270 सेवेंटी चूंकि एंगल आपने पॉजिटिव लिखना है इसलिए आपने नेगेटिव वैल्यू अगर आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा तो आप इन तीनों की जगह ये वाला एंगल लिख देना है। तो इधर सात लिखने विच इज सेम एज माइनस टू सेवेंटी आया चूंकि आपने एंगल पॉजिटिव लिखना है तो माइनस टू सेवनटी आएगा तो आपने बेटा क्या लिखना है प्लस नाइन्टी विच इज विच इज सेम एज प्लस नाइन्टी आपने इसकी जगह बेटा 90 लिख देना है नाइन्टी हमारा आंसर होगा उसके बाद वही ट्रिग्रोमेटिक वैल्यूज फाइंड करनी है। आपने साइन 90, कॉस 90 और टेन 90 तीन और तीन इसके रेसिप्रोकल बेटा ठीक समझ आ गई जो भी एंगल होगा आपने क्या करना है उसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करना है टू के पाई या टू के वन एटी प्लस थीटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी एंगल होगा उसे थ्री सिक्सटी पर डिवाइड करें और उसके बाद जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो के की जगह लिखें फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें जो एंगल कम होगा वो यहां पे आपने लिखना है अगर नेगेटिव में आएगा तो इन ये तीन वैल्यूज मैंने लिख दी हैं इस टाइम आ रहा है माइनस टू सेवनटी तो माइनस टू सेवनटी की जगह आपने नाइनटी लिखा उसके बाद ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर देनी है अब बेटा इसका देखें आप सेकेंड पार्ट जी बेटा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकेंड वाला पार्ट दैट इज माइनस थ्री पाई माइनस थ्री पाई बेटा पाई आप अपनी आसानी के लिए इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें पाई की वैल्यू आपको पता है 180 है तो थ्री मल्टीप्लाई बाई वन एटी फाइव फोर्टी ये वही लास्ट क्वेश्चन बन गया बेटा अब सेम इसी तरह से टू डॉट के डॉट वन एटी प्लस थीटा अब बेटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस बताया मैंने जो भी एंगल है आपके पास 540 उसे आप 360 पे डिवाइड करें देखें क्या आंसर आता है 540 फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री ये बेटा आ गया 1.5 तो पॉइंट से पहले जो होगा वो बेटा के की वैल्यू होगी तो 2.1.180 डॉट वन डॉट वन एटी माइनस क्यों चूँकि बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज होगा बेटा अब टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन एटी करेंगे तो आएगा थ्री सिक्सटी लेकिन आपको कितना रिक्वायर्ड है फाइव फोर्टी थ्री में कितना ऐड करें कि 540 आ जाए इन दोनों का डिफरेंस ले लें 540 फोर्टी माइनस थ्री सिक्सटी वन मीन इसमें और 180 ऐड करना पड़ेगा माइनस तो वन तो थीटा का आंसर बेटा आ गया माइनस वन एटी विच इज सेम एज प्लस वन आपने ये प्लस वन एटी लिख देना है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी अब आगे साइन वन एटी अच्छा एक बात और बेटा आप इसे पाई भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है वो पाई में है क्वेश्चन हमारा रेडियन में है तो आपने इसका एंगल भी जैसे क्वेश्चन होगा बेटा आंसर भी आपने सेम उसी तरह से लिखना है तो आप कोशिश करें कि जैसे क्वेश्चन है पाई में क्वेश्चन है तो आप आंसर भी इसका पाई में लिखें पाई कॉस पाई और बेटा टेन पाई इनकी वैल्यूज निकाल लें साइन पाई मीन साइन वन एटी जीरो वन एट्टी बेटा माइनस वन टैन वन एटी जीरो बेटा थ्री इसके रेसिप्रोकल्स कर दें और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बेटा कॉस पाई सीकेंड को पाई सीकेंड पाई, पाई और टेंजेंट पाई वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड वन डिवाइडेड बाई माइनस वन विच इज माइनस वन और वन डिवाइडेड बाई जीरो विच इज इंफिनिट क्वेश्चन कम्प्लीट बेटा और सारे के सारे पार्ट इसी तरह से हैं बेटा और इसमें देख लें कोई लास्ट वाला पार्ट देख लें इसका सिक्स पार्ट सॉरी नहीं इसका नाइन्थ पार्ट कर फोर जीरो सेवन डिवाइडेड बाई टू पाई ओके बेटा सबसे पहले आप इसको अपनी आसानी के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें फोर जीरो सेवन मल्टीप्लाई बाय वन एटी पाई की जगह वन एटी आप लिखें डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू थ्री सिक्स सिक्स थ्री जीरो ओके बेटा अब सेम फिर वही मेथड अडॉप्ट करें टू के वन एटी प्लस एंगल थीटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी एंगल है आपके पास थ्री सिक्स सिक्स थ्री जीरो डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी ठीक बेटा डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी तो ये आ जाएगा वन जीरो वन पॉइंट फाइव पॉइंट से पहले जो होगा बेटा वो के की वैल्यू होगी टू डॉट वन जीरो वन डॉट वन एटी प्लस एंगल की जगह छोड़ दें आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई टू इंटू वन ज़ीरो वन मल्टीप्लाई बाय वन एटी ये आ रहा है बेटा थ्री सिक्स थ्री सिक्स जीरो बट वी रिक्वायर्ड थ्री सिक्स सिक्स थ्री जीरो तो इसमें कितना एंगल ऐड करना पड़ेगा बेटा दोनों का डिफरेंस लेते हैं माइनस थ्री सिक्स सिक्स थ्री जीरो और इसमें टू सेवेंटी और ऐड करना पड़ेगा तो टू सेवेंटी थीटा आपके पास आ गया टू सेवेंटी अब हमारा क्वेश्चन पाई में है तो इसका आंसर भी एंगल कोशिश करें पाई में लिखें तो 270 को कैसे लिखेंगे बेटा 3 पाई ओवर टू ठीक इसको रेडियन में कन्वर्ट किया 3 पाई ओवर टू ठीक बेटा ओके अब आगे साइन 3 पाई ओवर टू वैल्यूज निकाल लिए ना हमने 3 पाई ओवर टू और टेनेंट 3 पाई ओवर टू तो ये बेटा आ जाएगा साइन 270, 3 थ्री पाई बाई टू मीन टू सेवनटी साइन टू इज इक्वल टू माइनस वन कॉस टू सेवनटी विच इज इक्वल टू जीरो टू सेवेंटी विच इज इक्वल टू इनिटी मैथर थ्री बेटा इसके रेसिप्रोकल आप खुद कर लीजिएगा इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्रोमेटिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स का जो बेटा एट पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन में 2013 में भी आया था 2018 में भी आया था बेटा तो है ये शॉर्ट लेकिन लॉन्ग भी ये आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स और पार्ट इसका सेकंड। थोड़ा सा बेटा इसमें चेंज आएगा देख लीजिएगा माइनस थ्री थर्टी माइनस टू डॉट सेम प्रोसीजर एज इन क्वेश्चन नंबर फाइव 180 एटी प्लस थीटा 2.k की वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए 330 को डिवाइड करेंगे 360 पर 330 डिवाइडेड बाय 360 व्हिच इज इक्वल टू 0.91 बेटा अगर इन क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 80 या 80 से अबव वैल्यू आ जाए तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना है दोबारा सुन लें इन क्वेश्चन में 2 360 पे डिवाइड करने के बाद अगर आंसर पॉइंट के बाद 80 या एटी से अब जाए तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लेना तो जीरो नहीं लिखना आपने क्या लिखना है वन वन एटी बाहर माइनस साइन चेंज आप बेटा देखते हैं क्या टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा थ्री सिक्सटी लेकिन हमें तो चाहिए थ्री थर्टी एंगल तो हमारे क्वेश्चन से इनक्रीज हो गया अब क्या करेंगे अगर इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे क्वेश्चन वाले एंगल से वैल्यू बड़ी आ जाए तो आपने ये वाला साइन चेंज कर देना है यहां पे माइनस था लेकिन आपने इसको क्या कर देना है? प्लस तो कितना डिफरेंस आया बेटा 360 और 330 में कितना डिफरेंस आया 30 का तो यहां पे आप लिख दें 30 30 हमारा क्वारेंटल एंगल नहीं है ये जस्ट हमारा एंगल आ गया थर्टी डिग्री अब आगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज लास्ट लेक्चर वाली कॉस थर्टी और बेटा टेंजेंट थर्टी साइन थर्टी वन बाई टू स्कॉस थर्टी स्क्वायर रूट थ्री बाई टू और टेन थर्टी बेटा वन बाय स्क्वायर रूट थ्री थ्री इसके आप रेसी प्रोपर ले लो साइन का कोसिकेंट थर्टी सीकेंट थर्टी और बेटा कोटेंजेंट थर्टी टू टू बाय स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री आंसर क्लियर बेटा आप इसका एट पार्ट देख लें और बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व कर लोगे एट पार्ट माइनस सेवेंटी वन ओवर सिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं सेवेंटी वन मल्टीप्लाई वन एटी डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस टू वन थ्री जीरो ओके बेटा टू डॉट के डॉट वन एटी प्लस थीटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए टू वन थ्री जीरो को डिवाइड करेंगे थ्री सिक्सटी पर टू वन थ्री 360 बाई थ्री सिक्सटी दैट इज इक्वल टू फाइव पॉइंट नाइन वन पॉइंट के बाद दोबारा वैल्यू एटी से बड़ी है एटी से ज्यादा है बेटा तो मैंने कहा इसको राउंड ऑफ करना है फाइव नहीं लिखना क्या लिखना है सिक्स शाबाश बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करें अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है टू इंटू सिक्स इंटू वन एट्टी डिग्री ये बेटा आ रहा है टू वन सिक्स जीरो अगेन वैल्यू बड़ी होगी बेटा हमें चाहिए था हमारा क्वेश्चन था टू वन थ्री जीरो एंगल हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है टू वन सिक्स जीरो इसका मतलब एंगल इंक्रीज हो गया अब मैंने कहा जब भी एंगल इंक्रीज हो जाए तो आपने ये साइन चेंज कर दिया इसके बाद कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा थर्टी का इसमें भी आ रहा है तो आप यहाँ पर थर्टी लिख दो थीटा इक्वल टू थर्टी चूँकि क्वेश्चन हमारा पाए में है तो आपने ये एंगल भी पाए में लिखना है अब थर्टी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको मैंने बताया था कैसे लिखना है पाई ओवर सिक्स अब आगे बेटा वही वैल्यूज साइन थर्टी कॉस थर्टी और टेन 30 थर्टी साइन थर्टी बेटा वन बाई टू थर्टी बेटा स्क्वायर रूट थ्री बाय टू और टेन 30 थर्टी बेटा वन बाय स्क्वायर रूट थ्री और थ्री आपके इसी तरह से रेसी प्रोकल कर दें ले बेटा इसी तरह आपने एग्जाम्पल नंबर हमारे पास फोर है खुद सॉल्व करें एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री है ख़ुद सॉल्व करें बेटा ठीक और ये हमारी फाइनल एक्सरसाइज कंप्लीट 9.1, 9.2 एंड 9.3 इंशाल्लाह हो गई Uh, कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में 9.4 स्टार्ट करेंगे स्टे होम स्टे सेफ़ अल्लाह ने बाद